सप्लाई इंस्पेक्टर का? सप्लाई इंस्पेक्टर का पार्ट तो बिल्कुल डिफरेंट है सर। हमें तो सिर्फ मेरा सवाल मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो लिस्ट हमने तो 1000 रुपए वाली लिस्ट बनाई, तो उनका राशन से कोई लेना देना नहीं था? उनका राशन से लेना देना सप्लाई इंस्पेक्टर से पूछिए। जो यहाँ गरीबों की लिस्ट बनाई गई थी, जो प्रभावित थे, जो लॉकडाउन से प्रभावित थे, मजदूर हुए, पल्लेदार हुए, रिक्शा चालक हुए, हर गरीब जो भी या मजदूर, उनका क्या है? क्या उन जिनके पास उसमें से राशन कार्ड है उनको मिलेगा? उनको यही जानते हैं, जिसके पास राशन कार्ड है उसका तो राशन कार्ड से मिल जाएगा। उन 777 में जिसके पास बाई चांस राशन कार्ड नहीं है उनको बिना तो उससे मिल जाए। मतलब ये है कि अगर मैं रोड पर घूम रहा हूँ और आपके जो संबंधित जो भी लोग जिनको आपने नामित किया इस काम के लिए हैं, अगर मैं उनसे जाकर हूँ मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ और मेरा नाम उसमें 1000 का हो जाना चाहिए, 1000 रुपये वाली या उस आप फ्री राशन वाले में, तो क्या उसी आधार पर उन्होंने उसका नाम लिख दिया? उसी आधार पर ना लिखा है, उसका आधार कार्ड है, उसका बैंक खाता है तब लिखा गया है। वो किस मोहल्ले में रहने वाला है, उसका पहचान कोई घूमने वाला थोड़े है। उसकी घर की मोहल्ला है, वो मोहल्ले वाला है ना, वो मजदूर है, कह रहा हम प्रभावित हैं। क्या मजदूर आप मजदूर को उस श्रेणी में रखते हैं कि उसका घर मार्बल्ड हो, उसके घर में सबमर्सिबल हो, उसके घर में ये कभी ना रखा जाता है? कौन रखे, क्यों रखेंगे ऐसा? नहीं, अगर ऐसा हुआ हो तो ऐसा कौन जिम्मेदार हो सकता है? तो उसके लिए कोई जिम्मेदार है भाई? लॉकडाउन में क्या कैसे काम कर्मचारी ने किया? तो लॉकडाउन है ना, तो लॉकडाउन का मतलब ये है सर, दरवाजा हम खोल सकते हैं, किसी का दरवाजा हम खोल सकते हैं, खुलवा सकते हैं लॉकडाउन में? फिर आपने अगर दरवाजा नहीं खुलवाया तो फिर ये जो आधार कार्ड होने लिए मान्यवर, ये तो कैसे करें मान्यवर? वो जो भलाई का काम हुआ हो गया, भलाई हुआ है, भला हुआ है। मतलब आपने उन लोगों के नाम चयनित करके भेज दिए जो कि घर से आसुदा हाल है, अच्छी पोजीशन में है, और हाल नहीं है अच्छी पोजीशन में, नाम का ना भेजे, नहीं भेजे। और अगर उनका नाम लिस्ट में हो तो? लिस्ट में हो तो हम क्या करेंगे? अगर 2-4 नाम बाई चांस किसी ने डलवा दिया होगा तब क्या कर सकते हैं? लॉकडाउन में हम उसके घर जा ना सकते, और 3 दिन में काम करना है तो काम की भी परेशानी समझिए, 3 दिन में काम। तो मानने पर आप ही को तो काम थोड़ा करना है, पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, तो आप तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपकी तो ये ड्यूटी बनती है। हाँ, तो हमने सही किया, आपने जो किया सही किया।